नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सेंथरी में गांजा बेचे जाने की सूचना मुखवीर तंत्र की मदद से मेहगांव थाना प्रभारी नेहा गौर को हुई। तभी मेहगांव थाना प्रभारी द्वारा दबिश देकर एक महिला को खुलेआम गांजा बेचते हुए 4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी दौरान महिला के परिजनों ने मौके पर मौजूद एक स्थानीय पत्रकार को मुखवीर मानते हुए बंधक बना लिया और गांजा बेचने वाली आरोपी महिला को छुड़ाने के लिए मांग करने लगे। पत्रकार को बंधक बनाकर महिला के तीनों पुत्रों ने पत्रकार के साथ मारपीट भी की, जिसकी सूचना मेहगांव थाना प्रभारी डीएसपी नेहा गौर को मिली तो भारी पुलिस बल के साथ दबिश देकर पत्रकार को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार मेहगांव थाना प्रभारी डीएसपी नेहा गौर को सूचना मिल रही थी कि सेंथरी गांव में खुलेआम गांजे की बिक्री कई वर्षों से की जा रही है। सूचना के बाद देर शाम थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और एक महिला को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। महिला से 4 किलो गांजा भी जब्त किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ महिला के परिजनों का विवाद भी हुआ। महिला को गाड़ी में बिठाकर लौटते ही महिला के परिजनों ने मौके पर मौजूद एक अखबार के स्थानीय पत्रकार प्रमोद शर्मा को बंधक बना लिया और गांजा तस्करी की आरोपी महिला को छोड़ने के बदले में ही पत्रकार को छोड़ने की बात करने लगे। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को लगते ही एसडीओपी वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में अलग अलग थानों का पुलिस बल दबिश देने पहुंचा। पुलिस को देखकर पत्रकार को बंधक बनाने वाले आरोपी पत्रकार को छोड़कर फरार हो गए। पत्रकार प्रमोद शर्मा के अनुसार आरोपियों द्वारा उसे अगवा कर खेतों पर मौजूद कुएं पर बने एक कमरे में कैद करके रखा गया था, जहां पर उसके साथ मारपीट भी की गई। लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी भाग खड़े हुए। वहीं थाना प्रभारी नेहा गौर का कहना है कि वह कार्रवाई के लिए पहुंची थी, उसी समय वहां पर एक पत्रकार अपने अखबार की रिकवरी के लिए गया हुआ था, लेकिन महिला के परिजनों ने उसे बंधक बनाकर महिला को छोड़ने की बात करने लगे, जिसके बाद दबिश देकर पत्रकार को सकुशल छुड़ाया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। उन्हें गया था अपनी वसूली के लिए पेपर भी, तो वहाँ से क्या है पुलिस भी निकली, तो वो सेंथरी गांव पहुँची तो वहाँ कहीं गांजा पकड़ा गया होगा, तो वहाँ से वापस लौट रही थी। तो मैं जगह पे खड़ा था, तो वहाँ पानी पिया मैंने और खड़ा होकर देखने लगा। तब तक ये तीनों लोग आए तो उन्होंने संगीन में निगाह में कि उन्होंने तीनों लोग कौन कौन आए, एक धर्मेंद्र थे, धर्मेंद्र भदौरिया और एक गौरव भदौरिया और एक लड़का और था, उसका नाम याद नहीं मुझे, शिव सिंह भदौरिया। ये तीनों लोग आए और उन्होंने मुझे पकड़ के रखा और बोले जब तक मेरी माँ को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं। फिर ये लोग हमें गांव ले गए, गांव से फिर हार में ले गए और कुएं के पास, तो वहाँ बंधक बना के हमें रखा बंद करके कमरे में। तो उन्होंने मारा पीटा भी थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद जैसे ही कहीं दबिश हुई है उनको पता चला है कि जैसे ही पुलिस आगे चारों ओर से घिर गई तो वो छोड़ के भाग गए। कहाँ पर छोड़ा आपको? हमें छोड़ा सेंथरी वाली रोड पर, जो अपन मालेन के रास्ता में जाते हैं बीचों बीच। घटना कुछ इस प्रकार है, मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली कि गांजे की एक महिला तस्करी कर रही है। उस महिला को हमारे द्वारा सेंथरी गांव से पकड़ा गया। सेंथरी गांव से पकड़ के हम लोग उसे थाने लेके आए। जो भी पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एक प्रमोद चौधरी करके एक पत्रकार हैं, उनको सेंथरी गाँव से, सेंथरी में वो शायद अपनी अखबार क्योंकि वो पत्रकार हैं, अपनी वसूली के लिए गए थे, उस वसूली के लिए गए थे, तो उनको किसी ने पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद उनसे ये मांग की जा रही है कि जो पुलिस द्वारा वो महिला को पकड़ा गया है उसके बदले में वो उस पत्रकार को छोड़ेंगे। तो हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई कि हम अपने दलबल के साथ गए और मौके से हमारे द्वारा प्रमोद चौधरी जी को सेफली एंड सिक्योरली हमारे थाने में किया। ये अपराधी कौन थे जो इनको प्रमोद चौधरी को पत्रकार को पकड़ा था? वो जो अपराधी, उनकी बैकग्राउंड ऑलरेडी बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उन लोगों का, और उन लोगों के द्वारा पहले भी गांजा पकड़ते हुए गांजे में 302 में और भी दूसरे जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है उसमें यही है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के। तो क्या आरोपी पकड़े गए या मौके से फरार है? आरोपी अभी मौके से फरार है, फरार है, लेकिन हमारे पुलिस द्वारा दिल्ली ही उन पर कार्रवाई की जाए। कितना गांजा पकड़ा? 4 किलो गांजा।